नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा मंत्र जो कि आपके शत्रु को विवश कर देगा और वो शत्रु आपका मित्र बन जाएगा। और यदि आप चाहें, आप में इतनी कैपेसिटी है, आप में इतनी क्षमता है, तो वो उसका नाश भी हो जाएगा। वैसे तो हम देखते हैं तो मंत्रों की दुनिया बड़ी ही विस्तृत है। यदि हम देखते हैं तो हर कोई मंत्र अपने आप में अद्भुत शक्ति लिए हुए होता है। ऐसा ही आज एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा जो कि नरसिंह भगवान का है। यदि आप में पूर्ण लगन और आस्था है तो आपका यह मंत्र जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा और आपके शत्रुओं के लिए प्रलयकारी सिद्ध होगा। तो जो ये मंत्र है वो बहुत ही प्रभावशाली है और नरसिंह भगवान का है। तो आपको सबसे पहले मंत्र जब से पहले नरसिंह भगवान या विष्णु भगवान के मंदिर जाकर उनको लड्डुओं का भोग लगाना है। लड्डुओं का भोग लगाने के बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं आपका ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ तो आप मुझे सिद्धि प्रदान करें। तो मंत्र इस प्रकार है, नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात। यह आपको मंत्र स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, तो मैंने आपको बता दिया है किसको कैसे क्या करना है। बिल्कुल सिंपल सा मंत्र है ये और इसका आप रोज जप भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमारे पास एक महाकाली का मंत्र भी है। ये तीव्र मंत्र है और यह भी बहुत प्रभावशाली है। इसे हमको सूरज निकलने के पहले ही करना है और इससे आपका जो शत्रु है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो आपको मित्रवत व्यवहार करने लगेगा। तो मैं आपको इसका भी बता देता हूँ, जो महाकाली है वो हमारे शत्रुओं से बचाव करती है। तो महाकाली की आराधना अमावस्या को रविवार के दिन करना है, आप दिन में ही कर सकते हैं। और इसके लिए आप काले रंग के कपड़े पर माँ काली की मूर्ति रखें और मुख उत्तर दिशा की ओर रखें, उसके बाद ही पूजा आरंभ करें। माँ काली का जो मंत्र है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, माँ काली का जो मंत्र है वो है क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट। यह आपका मंत्र है और यह आप पूजा साधारण तरीके से ही करें। और जब माँ काली की पूरी पूजा हो जाए तो नींबू लेकर उस पर अपने दुश्मन का नाम लिखें और शत्रु से मुक्ति के लिए माँ से प्रार्थना करें। और आप जो माला है वो रुद्राक्ष की करें और 11 माला आप जप कर लें। और इसके बाद संपन्न होने के बाद नींबू पर उड़द की दाल चढ़ाएं और इस दौरान मनन करें कि माँ काली आपके शत्रु के प्रभाव को समाप्त कर रही है। और जब पूरा हो जाए तो नींबू किसी मटकी में डाल दें और जो माँ काली का नीचे अपन ने आसन बिछाया था और उसको उस पर बंद कर दें और कहीं दूर स्थान में उसको गाड़ा है। तो इस प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो मंत्र है वो माँ काली सिद्ध करें। जय श्री माँ।